अब आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से 3 बार अकाल पड़ा, जिससे भारत की जनता में आक्रोश ब्रिटिश सरकार के प्रति और असंतोष की भावना जो है वो बढ़ने लगी। पब्लिक एंगर जो है अगेंस्ट ब्रिटिश रूल वो स्टार्टेड इंक्रीजिंग एट दैट टाइम। तो अब अभी थोड़ा सा हम इस पर बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस की बात जो है कि कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए, आखिर ये कहां से उत्पत्ति होती है। तो इसके बारे में चूंकि इतिहासकारों का आपसी बहुत ज्यादा विवाद रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक जो है बैलेंस में आपको ला करके समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेन बातें क्या थी। अब आप जब ये चीजों को देख लिए कि नहीं, अकाल से जो है 3 बार अकाल से 50 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी और ब्रिटिश सरकार भारत के किसानों के प्रति कुछ दया भी नहीं दिखा रही थी, कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो रहा था, तो ऐसे में एक बड़े लेवल पे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत महसूस होने लगी। और उसके बाद जो है मैं बता दूं आपको, इस व्यक्ति का नाम थोड़ा सा देख लीजिए, जिसका नाम है A.O. ह्यूम, एलन ओक्टियन ह्यूम। अब देखिए ये कौन है, तो देखिए ये इंग्लैंड का व्यक्ति है, इंग्लैंड में लंदन में इसका जन्म हुआ, भारत में आया ब्रिटिश ऑफिसर बनकर के, IAS ऑफिसर बनकर के, और 1857 की जो क्रांति हुई थी ना उस समय 1856 के टाइम पे जो उत्तर प्रदेश का इटावा वाला जिला है उस इटावा का जो है ये DM बना, कलेक्टर बना, 1856 में इटावा का ये DM बना। और DM बनने के बाद 1857 की क्रांति को इसने बढ़िया से महसूस किया था, देखा था कि किस तरह से उनकी ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों के साथ जो है ज्यादती की थी। हालांकि ये एक ऐसा व्यक्ति था जो न केवल भारतीय स्वतंत्रता का समर्थक था, लाला लाजपत राय जी जो हमारे देश के एक उग्रवादी नेता, आप लोग नाम सुने होंगे, शेरे एक पंजाब के नाम से जाना जाता है, पंजाब के रहने वाले थे, भारत की आजादी में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, तो वो इनको कहते हैं एलन ओक्टियन ह्यूम को कि एलन ओक्टियन ह्यूम स्वतंत्रता का पुजारी था और एलन ओक्टियन ह्यूम का भारतीयों के प्रति जो है और भारत की निर्धरता और दुर्दशा के प्रति मन व्यथित होता था, रोता था, ये एक अच्छा इंसान था, नेक इंसान था, भले अंग्रेज था तो क्या। लेकिन अब मैं ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि 1856 में इटावा में ये DM बनता है और DM बनने के बाद 1857 की क्रांति को अच्छे से देखता है। 1859 में, 1859 में दोस्तों ये एक जो है लोक मित्र नाम का जो है न्यूज़पेपर पब्लिश करता है और उसका ये एक एडिटर रहता है, संपादक होता है, और वो लोक मित्र में ये प्रयास करता है कि ब्रिटिश सरकार और भारत की जनता के बीच समन्वय की स्थिति यानी बैलेंस स्थापित किया जा सके। लेकिन वो कहां होने वाला था, ये देखते देखते जो है रिटायर हो गया 1882 में, जिस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन, और जिस समय रिपन था उस समय ये रिटायर्ड हुआ, हालांकि रिपन भी एक अच्छा व्यक्ति था। तो ये मैं बता रहा हूं कि 1882 में जब ये रिटायर होता है तो ये सारे के सारे जो अपना एक्सपीरियंस है उसको समझता है कि नहीं, भारत को कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन के द्वारा ज्यादती किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो भारत को यहाँ पे आजादी की जरूरत है। अब मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि 1882 में ये क्या करता है कि 1883 में, एक साल के बाद, भारत की जो छोटे छोटे राजनीतिक पार्टियां होती है उसके नेताओं से मिलना शुरू करता है, और उसके नेताओं से मिल करके 1883 में जो है सभी नेताओं से मिलता है और मिल करके कर्नाटक के, दोस्तों याद रखना, कर्नाटक के अड्यार जो है जगह पे, अड्यार जो है वहां का डिस्ट्रिक्ट रहा है, सेंट टोमे नदी के किनारे शहर के, तो उस अड्यार में ये एक मीटिंग बुलाता है, एक जो है वो बैठक बुलाता है। कौन बैठक बुलाता है? एलन ओक्टियन ह्यूम, जो ब्रिटिश ऑफिसर है जो 1882 में रिटायर हो चुका है, वो एक बैठक बुलाता है कर्नाटक के अड्यार में, और बैठक बुलाने में इसमें भारत के लोग भी जो है शामिल होते हैं। तो भारत के लोग 16 भारतीय लोग और प्लस में एक ये, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी, 17 डेलीगेट्स यानी 17 जो प्रतिनिधि है
जिसमें भारत के और ये अध्यक्षता करता है और सारे के सारे लोग इसमें 17 प्रतिनिधि शामिल होते हैं, डेलीगेट शामिल होते हैं इस अड्यार वाली बैठक में। और ये अड्यार वाली बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है ये विचार किया जाएगा कि हाँ भारत में एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो पूरे देश की समस्या का निराकरण कर सके। तो आखिर जो है ये क्यों मीटिंग बुला करके और सारे के सारे, क्या ये किसी वायसराय से मिल करके इस पे बात किया था? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ ये फील किया था कि 1857 की क्रांति में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर और बहुत सारे इंडियन लोग जो है वो मारे गए थे। इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण ये था कि भारतीय जनता का नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई ऐसा राजनीतिक संगठन था जो 1857 की क्रांति में सहयोग दे सके या उसको रोकने में मदद कर सके। तो ये जरूरत तो तभी से फील कर रहा था जिसको लोकमित्र में ये लिख चुका था कई आर्टिकल में। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो है 1857 की क्रांति के समय से ही जो है ये चाह रहा था क्योंकि वो नजदीक देख रहा, तो वो नहीं चाहता था कि 1857 की क्रांति जो नेतृत्वहीन रही, जिसमें कई सारे ब्रिटिश मारे गए और कई सारे इंडियन मारे गए, तो वो नहीं चाहता था कि फिर भारत की जनता का जो ये असंतोष, ये अकाल से जो तीन बार अकाल आया कुछ नहीं किया गया है, ये जो असंतोष और जो आक्रोश उभरा है, ये असंतोष और आक्रोश कहीं एक बड़ा रूप ले ले, क्योंकि बड़ा रूप लेगा तो बहुत सारे ब्रिटिश जो है मारे जाएंगे और ब्रिटिश जो एम्पायर है जो इंडिया में जो शासन कर रहा है ब्रिटिश साम्राज्य, वो विनष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये मीटिंग बुलाया कर्नाटक में अड्यार में और 17 डेलीगेट्स के साथ भारत के कुछ और जो है उस समय के राजनेता मौजूद थे और इन लोगों ने डिसीजन लिया कि हाँ एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो भारत के पॉलिटिकल डिमांड को और इकोनॉमिक डिमांड को या सोशल डिमांड को सुन सके, समझ सके और उसे ब्रिटिश सरकार से समाधान करवा सके। मैंने क्या कहा? पॉलिटिकल डिमांड दोस्तों, राजनैतिक जो है मांगे, इकोनॉमिकल डिमांड यानी आर्थिक मांग और सोशल डिमांड यानी सामाजिक डिमांड, जो भारत की पूरी तरह से जनता की समस्या का समाधान करा सके, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत समझ में आने लगी थी। अब होता क्या है कि रिपन के बाद अगला जो है 1884 में 1884 में वायसराय जो आता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड डफरिन दोस्तों। तो लॉर्ड डफरिन जब आता है 1884 में तो 1888 तक ये रहता है। इसका ये जो शासन काल है ना, टाइम पीरियड, ये आप लोग याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना होगी। तो 1884 से लेकर के 1888 तक ये रहा। तो फिर जब ये बैठक में ये तय हो गया कि हाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तब जाकर के लॉर्ड डफरिन से एलन ओकियन ह्यूम क्या करता है, मीटिंग करता है 1884 में और बोलता है कि इसे कांग्रेस पार्टी एक हम बना रहे हैं। तो बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि लॉर्ड डॉफरिन के जो है वो कहने पे एलन ओकियन ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी का जन्म दिया, कांग्रेस पार्टी को बनाया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को ये अंदाजा था लॉर्ड डॉफरिन को और फिर जो है एलन ओकियन ह्यूम को कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर है वो भारतीय जनता की आक्रोश के भेंट चढ़ जाए और जो ब्रिटिश एम्पायर है वो यहाँ से विनष्ट होकर के यहाँ से जाना पड़ जाए, क्योंकि 1857 से कहीं ना कहीं ये लोग डरे हुए थे और इसी कारण जो है कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ, जिसमें एक इतिहास बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, हालांकि इसमें लाला लाजपत राय ने तो खुल करके कह दिया कि कांग्रेस का जन्म जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, यानी कांग्रेस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ लॉर्ड डफरिन। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अब ये सब परिस्थिति समझ गए कि नहीं, कर्नाटक वाले अड्यार में जो मीटिंग हुआ था जिसमें 17 डेलीगेट्स उपस्थित थे, जिसकी अध्यक्षता एओ ह्यूम ने की थी, उसी समय डिसाइड हो गया था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बन करके रहेगी। तो यही कांग्रेस पार्टी जो है बनी, और आप लोग ध्यान में रखना इसको, 1885 में। अब ये प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि अनाउंस कब किया गया, तो मंडियार वाला में सहमति तो बन गई थी लेकिन उस समय जो है वो अनाउंस नहीं किया गया था। याद रखना है 25 दिसंबर 1885 को एलन ओकियम ह्यूम के द्वारा अनाउंस किया गया, घोषणा की गई कि कांग्रेस पार्टी बनाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहां से आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी बनने की घोषणा कब की गई, तो वो की गई कि 25 दिसंबर 1850 को, कि एक जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा इंडिया के समस्याओं को समाधान करने के लिए। लेकिन कांग्रेस नाम नहीं था उसका, उसका नाम रखा गया दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ,
इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इंग्लिश वाले भी इसे नोट करते चलना, मैं बोल देता हूं इंडियन नेशनल यूनियन। तो इंडियन नेशनल यूनियन इसका पहला इनिशियल स्टेज में नाम रखा गया था, जिस समय एओ ह्यूम ने 25 दिसंबर 1885 को अनाउंस किया था कि एक जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, बन गया है। और भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है उसका नाम है, इंडियन नेशनल यूनियन नाम है। और इसके ठीक 3 दिन के बाद जो है ये डिसाइड किया गया था कि इसके ठीक 3 डेज के बाद, यानी कौन सा डेट पड़ेगा दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक की जाएगी। अब ध्यान में रखने वाली बात है, जब भी हम बैठक कहेंगे तो इतिहास की भाषा में हम लोग अधिवेशन हम कहेंगे, और अधिवेशन का मतलब हम जनरल भाषा में समझ जाइए कि कांग्रेस पार्टी के सारे सदस्य बैठ करके और आपस में विचार विमर्श करेंगे कि अगला रणनीति और अगला स्ट्रेटजी क्या हो भारत के लिए, या भारत की जनता की समस्या का समाधान किस तरह से कराया जाए। तो अब ये चीजें जो है इसके लिए हम बैठक नहीं, हम बार बार अधिवेशन बोलेंगे और आप समझ जाइएगा कि बैठक की। और इंग्लिश में हम या तो कॉन्फ्रेंस बोलेंगे या सेशन बोलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि कॉन्फ्रेंस और सेशन का भी मतलब जो है वो बैठक की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि 3 दिन के बाद 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस पार्टी के जो है पहली बैठक होने का अनाउंस किया गया कि भाई पहला बैठक जो है इसकी फर्स्ट सेशन यानी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वो कहाँ पे बुलाया जाएगा। हालांकि ये बातें मंत्रणा तो 1883 में अड्यार वाले में ही हो गया था, लेकिन इसकी घोषणा जो की गई वो जो है ऑफिशियली तौर पे 25 दिसंबर 1885 को। दो बातों की घोषणा, एक तो इसके नाम की घोषणा, इसका नाम क्या होगा तो भारतीय राष्ट्रीय संघ होगा, इंडियन नेशनल यूनियन होगा। और दूसरी घोषणा कि इसका पहला मीटिंग कहाँ, तो पहला मीटिंग यहाँ जो है पूना में तय किया गया था, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज टू बी हेल्ड इन पुणे बट वॉज हेल्ड इन मुंबई, अच्छा ड्यू टू प्लेग। अब जरा ध्यान में रखिए, पूना में किया जाना था इनका पहला मीटिंग, लेकिन वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, कहां पे, मुंबई में कर दिया गया दोस्तों। और मुंबई में क्यों किया गया, क्योंकि एक उस समय बीमारी चली थी जिस बीमारी का नाम था प्लेग बीमारी। जरा समझिए, ये प्लेग बीमारी के कारण पूना में जो बैठक होनी थी कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक, उसको टाल करके मुंबई कर दिया गया। प्रश्न कई सारे एग्जामों में ये किया जा चुका है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को। अनाउंसमेंट कब हुआ था, 25 दिसंबर 1885 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल यूनियन दोस्तों। और यह भी याद रखिएगा कि पहला बैठक कहां पे होने वाला था, चार नाम शहर का दे देगा, यह बताइए, दिल्ली में होने वाला था, पुणे में होने वाला था, मद्रास में होने वाला था या मुंबई में होने वाला था। आपका आंसर क्या होगा, पुणे में होने वाला था। लेकिन पहला बैठक हुआ कहां दोस्तों, मुंबई में हुआ। और किस बीमारी के कारण जो है पूना से ट्रांसफर करके कांग्रेस पार्टी का पहला बैठक जो है ट्रांसफर कर दिया गया था, तो आपको याद होना चाहिए कि प्लेग नामक बीमारी फैल जाने के कारण जो है, क्योंकि पूना में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना टाइम पे आप लोगों ने देखा है। तो अब ये हमने बता दिया कि 28 दिसंबर 1885 को फाइनली जो है एलन ओकियन ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा जो है स्थापित कर दिया जाता है। अब जब भी आपसे क्वेश्चन करेगा कि ये बताइए कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, आंसर क्या होगा, 28 दिसंबर 1885। अनाउंसमेंट कब हुआ था, उसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, जरा समझिए इस बात को। अच्छा, एलन ओकियन ह्यूम कौन फाउंडर है, इसके संस्थापक कौन है, आपका आंसर क्या होगा, एलन ओकियन ह्यूम। अब बताइए आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, आगे अभी ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो मैं ये बता रहा हूं कि एलन ओकियन ह्यूम जो है वो, एलन ओकियन ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी। और उस दिन ये डिसाइड हुआ कि आज के बाद जो है वर्ष में अधिकतम 3 बार जो है हम लोगों की बैठक हो सकती है, यानी एक तो होगी जो नॉर्मल कॉन्फ्रेंस होगी वो हमेशा दिसंबर महीने में ही होगी, या तो जो है 28 को हो जाए, 29 को हो जाए, 30 को हो जाए, 31 दिसंबर को हो जाए, ये डेट फाइनल हुआ कि इस डेट में हो सकती है, या फिर यदि इससे पहले कोई बैठक होगा तो उसको हम अधिवेशन नहीं बोलेंगे, उसको हम स्पेशल यानी विशेष अधिवेशन बोलेंगे, स्पेशल कॉन्फ्रेंस बोलेंगे दोस्तों। ये जरा मैं ध्यान में रखना कि विशेष अधिवेशन में और अधिवेशन में क्या अंतर होता है। अधिवेशन जो दिसंबर महीने में होगी, और दिसंबर महीने में डेट क्या, 28, 29, 30, 31, आज तक जितनी भी बैठकें आप देखोगे, अभी भी जो भी बैठक होगी
दिसंबर में ही होगी इसकी बैठक, ये जनरल। और इससे पहले यदि दिसंबर से पहले कोई बैठक बुलाया जाता है तो उसको हम विशेष अधिवेशन कहेंगे, और साल में तीन बार से अधिक बैठक इसकी नहीं हो सकती, ये भी डिसाइड उसी दिन हो गया था। और उसी समय से ये ट्रेडिशन जो है, ये परंपरा को फॉलो कांग्रेसी लोग करते आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस देश के आजादी में, और आगे जाकर के आप पढ़िए कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो है और क्या। तो देखिए, अब ये मैं बता रहा कि ये भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है, इंडियन नेशनल यूनियन का नाम आखिर कांग्रेस कैसे पड़ा, इस बात को यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाकर के हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और क्वेश्चन पे भी आपको ले करके चलेंगे। तो कांग्रेस पड़ा, इसका नाम कांग्रेस कैसे पड़ा, जरा ध्यान रखिए। कांग्रेस जो वर्ड है ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। जरा ये लिख लीजिएगा कहीं पे कि कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया है। कांग्रेस वर्ड जो है वाज टेकन फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय दादा भाई नौरोजी वाज एन इकोनॉमिस्ट, ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत के अर्थशास्त्री थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने कांग्रेस वर्ड इसको नाम दिया भारतीय राष्ट्रीय संघ को। सवाल उठता है कि ये नाम कब दिया गया, तो 1886 में दिया गया, और 1886 में ही पहली बार जो है 1885 के बाद दूसरा जो बैठक हुआ कलकत्ता वाला, उसमें दादा भाई नौरोजी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, और उसी समय उन्होंने नाम रखा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ नहीं, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाएगा आज के बाद। तो ये कांग्रेस शब्द जो है भारत अमेरिका के संविधान से लिया गया, और फिर जाकर के ये जो कांग्रेस वर्ड है वो दादा भाई नौरोजी ने, ये लिख लीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो भारत के क्या रहे हैं, दादा भाई नौरोजी भारत के अर्थशास्त्री रहे, इनके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे जाकर के। और 1886 में इन्होंने कांग्रेस नाम दिया, हालांकि कांग्रेस नाम से जो है नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां नटाल शहर में नटाल इंडियन कांग्रेस नाम की एक पार्टी भी खोले थे। तो सवाल है कि पहले किसने वर्ड यूज किया, तो पहले तो इसने दादा भाई नौरोजी नहीं, क्योंकि उसमें महात्मा गांधी का भी नाम क्वेश्चन में कई बार दे देता है, तो इसलिए ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा अब क्वेश्चन पे भी देखते हैं। एक चीज तो हम समझ गए कि आखिर कांग्रेस का किन स्थितियों में जो है वो जन्म हुआ, हमने कई सारे अकालों के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ा, हमने ये भी स्थापना भी करवा दी, एलन ओकियन ह्यूम जो है इसका फाउंडर माना जाता है, 28 दिसंबर को इसकी जो है स्थापना हुई थी, और उसी दिन इसकी पहली बैठक हुई थी, और वो पहली बैठक पूना में न होकर के कहां पे हुई थी, मुंबई में। देखिए अब तक तो सैकड़ों अधिवेशन हो चुके हैं, लेकिन सैकड़ों अधिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहले चार पांच जो है हम अधिवेशनों के बारे में चर्चा कर दे रहे हैं, और बाद बाकी जो भी टॉपिक आएगा उस टॉपिक के साथ कंबाइंड करके यदि हम अधिवेशन बताएंगे ना, तो आपको अधिवेशन को याद नहीं करना पड़ेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की कॉन्फ्रेंस को याद नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर हमसे ठीक लगता है हम लोगों से या नहीं लगता है, लेकिन अब इसके बारे में आगे जो है बात करके तब जा करके और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहला कॉन्फ्रेंस तो हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में देखिए अब यही कहा था ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। अब जरा देखिए यहाँ वर्ष 1885 में, डेट नहीं दिया है, डेट आप लोग बताइए, 28 दिसंबर 1885 को अनाउंसमेंट के बाद, तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1885 व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश, याद रखना है कि ये इन 1885। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़िए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। दूसरा कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का संस्थापक कौन था। अभी मैंने बातचीत के दौरान आप लोगों को बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो एलन ओकियन ह्यूम है वो एक डीएम थे, एक प्रशासनिक अधिकारी थे, जो 1856 में जो है वो इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा के डीएम बने थे, जो लोक मित्र नामक पत्रिका के संपादक भी रहे 1859 के। अब ये दे रहा है कि असैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, सामाजिक कार्यकर्ता या मिलिट्री कमांडर थे। ध्यान में रखना है ये जो है न तो विज्ञानी थे, न सामाजिक कार्यकर्ता थे, न मिलिट्री कमांडर थे, तो क्या के और प्रशासनिक अधिकारी थे, जिसका राइट ऑप्शन क्या होगा, असैनिक सेवक, याद रखना है ये वाला। अब आपको आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि आप लोगों ने कॉमेंट में किया था कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन भी और क्वेश्चन
मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में रहना चाहिए और थोड़ा सा बाइलिंगुअल आप पढ़ा दीजिए, तो इसीलिए हम कर रहे हैं। तो अब आगे जो है नेक्स्ट वाला थोड़ा सा हम लोग बढ़े कि नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है दोस्तों। सेकंड नंबर ये थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गया, सेकंड हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने बताया उसका नाम क्या था, एलन ओकियन ह्यूम, और ये कौन था, ये अंग्रेज था। अभी मैंने बताया कि अंग्रेज था, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का क्या है, फाउंडर माना जाता है, संस्थापक माना जाता है, और ये 1885 से लेकर के दोस्तों 1906 तक जो है वो कांग्रेस पार्टी का सचिव यानी सेक्रेटरी भी रहा है। कहीं कहीं दे देता है या फिर कह देगा कि ये बताओ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का पहला महामंत्री कौन था, या तो महामंत्री दे देगा या सचिव दे देगा। आपको ये पता होना चाहिए कि यदि सचिव दे यानी सेक्रेटरी की बात करें तो फिर भी इसका नाम क्या होगा, पहला सचिव एलन ओकियन ह्यूम था, 1885 से लेकर के और 1906 तक रहा। अब हम यहाँ पे विमेश चंद्र बनर्जी और सारी चीजों सारे लोगों की बात चर्चा करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर जाकर के आगे जो है चलते हैं, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन भी साथ में होता चले, ताकि आपको ये पता लगे कि हाँ हम आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। अब बताइए आप आंसर दे रहे हैं कि नहीं, ये भी डेट याद रखना है 1885 से 1905 तक। अब अगला है चौथा क्वेश्चन, पहला अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कहाँ हुआ था, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। अभी मैंने बताया था कि पहला कहाँ पे हुआ था, अब इस पे आगे चर्चा करना है, लेकिन पहले मैंने बता दिया है आपको कि पहला कहाँ पे हुआ था, पुणे में होने वाला था, लेकिन हुआ कहाँ पे, मुंबई में। क्यों हुआ, क्योंकि प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी, तय कहाँ पे किया गया था, पुणे में, बट हुआ कहाँ पे, मुंबई में। और कब हुआ पहला सेशन, तो आपको बताया था कि जिस दिन इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो है क्वेश्चन को हम देखेंगे और आगे अगला क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फर्स्ट सेशन में यानी पहले कॉन्फ्रेंस में कुल कितने डेलीगेट यानी प्रतिनिधि जो ने जो है पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जो है, अब आगे चार क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, अब आगे के क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें मैंने बताया है जिसको नोट कर लीजिएगा, वो क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैं नहीं बनाता हूं लेकिन बताता बहुत सारा क्वेश्चन हूं। मैंने क्या कहा था कि भले 20 क्वेश्चन में इस पर लिखा होगा लेकिन 200 से प्लस क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, तो आप सुनते जाइए और नोट बनाते जाइए। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा चलते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है कि कितने डेलीगेट्स थे, आपको पूरा डिटेल में यहां पे हम समझा देते हैं। हम आते हैं अगला पेज आ गया। अब मैंने कहा कि पहला जो है कांग्रेस पार्टी का बैठक, ये देखिए चार बैठकों का एक जगह जो है हम आपको मानचित्र ही बना देते हैं ताकि आपको पता चल जाए और तब जाकर के हम पेज पे पढ़ाएंगे कि आखिर कैसे जो है। तो अब देखिए पहला जो बैठक है, जरा इस बात को ध्यान में रखना, पहला बैठक कांग्रेस पार्टी का, एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार पांच जो है लिख लेते हैं फिर जाकर के और आगे बढ़ेंगे हम। तो पहला जो बैठक है कांग्रेस पार्टी का वो कहां पे होता है, तो यहां पे ऊपर में आप लोग प्लेस लिख लीजिए यानी स्थान लिख लीजिए ताकि आपको चारों याद रहे स्थान कि कौन से स्थान पे पहला कॉन्फ्रेंस हुआ। दूसरे जगह पे आप लिख लीजिए कि इसका अध्यक्ष, इंग्लिश में लिख लेना आप लोग कि प्रेसिडेंट कौन रहे, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट और सेकंड पहले कॉन्फ्रेंस के, ये पहला दूसरा क्या है कॉन्फ्रेंस का नाम है कि पहला कॉन्फ्रेंस यानी पहला अधिवेशन कौन था, दूसरा कॉन्फ्रेंस दूसरा अधिवेशन कौन था, ऐसे। उसके बाद यहाँ पे उन लोगों की रिमार्क्स यानी जो विशेषता है आखिर क्यों बनाया गया, ये थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखो पहला 1885 में हुआ है दिसंबर में, 28 दिसंबर। अब ये आपको 28 दिसंबर के बाद पहला वाला ही याद रखना है, ये नहीं याद रखना है कि सेकंड वाला का सर कितने तारीख को हुआ था, थर्ड वाले को, अरे आप जानते हैं या तो 28 को होगा, 29 को होगा, 30 या 31 को, मैंने बताया ही दिया है आप लोगों को। तो पहला 1885, तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ बताओ, कब होगा 1886 में, तीसरा बता दो आप लोग कब होगा 1887 में, चौथा कब होगा 1888 में, ऐसे ही करके एक एक साल पे बढ़ता जाएगा। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा कब होगा, केवल आप ये याद रखिए कि पहला कब हुआ था, बाद बाकी सब आप आसानी से पता लगा सकते हैं। और अब है कि पहला का अध्यक्ष कौन था, तो पहला का अध्यक्ष दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी, किसी किसी किताबों में आप लोग को उमेश चंद्र बनर्जी भी मिल जाएगा। आखिर ये व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो थे कौन,
देखिए कलकत्ता के एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने वाले रमेश चंद्र बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट के काफी जाने माने जो है वो वकील थे, एडवोकेट थे, जिसे आज के डेट में जो है संतोष हेगड़े का नाम लिया जा सकता है, प्रशांत किशोर साहब का नाम लिया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जो है उस समय जो है रमेश चंद्र बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट की जो है वो क्या थे, प्रतिष्ठित वकील थे। अब बात है कि क्या उस समय सर हाई कोर्ट थी? जी हाँ थी। मैं ये बात कर रहा हूं अभी 1885 की, लेकिन पहला हाई कोर्ट याद रखना, इधर साइड में कहीं पे नोट्स बना लेना, 1862 में तीन हाई कोर्ट देश में बने ब्रिटिश सरकार के दौरान। पहला जो है वो कलकत्ता, दूसरा कलकत्ता लिख लेना, दूसरा मद्रास, ये कलकत्ता मद्रास, और तीसरा मुंबई। ये तीन जो है हाई कोर्ट जो है वो कब बन गया, एसी मतलब हाई कोर्ट, 1862 में। और इसके ठीक चार साल के बाद 1866 में देश का सबसे बड़ा जो है माना जाता है अलाहाबाद हाई कोर्ट में से उस समय का था, ये ध्यान में रखना है। 1866 में अलाहाबाद काफी ज्यादा जो है चर्चा में रहा उस दौरान, मैंने बड़ा मतलब चर्चा में, तो 1866 में अलाहाबाद जो है हाई कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट के जो है वो क्या थे, रमेश चंद्र बनर्जी एक वकील थे, ये ध्यान में रखना है, एडवोकेट ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट कहीं पे लिख लेना, एक तो एडवोकेट थे। दूसरा क्या थे भैया? तो दूसरा थे रमेश चंद्र बनर्जी जी कलकत्ता जो है विद्यालय में ये विधि शास्त्र, विधि मतलब आप जो है लॉ की पढ़ाई किए हुए थे तो लॉ के जो है ये टीचर रह चुके थे, ये जरा ध्यान में रखना है कि लॉ के ये टीचर रह चुके थे, शिक्षक थे, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि रमेश चंद्र बनर्जी का निम्न में पेशा क्या था, और उस समय वकील दे देगा, राजनीति दे देगा, समाज सेवा, मतलब कुछ चार ऑप्शन दे देगा, तो उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि वो थे क्या। और रमेश चंद्र बनर्जी देश के पहले ऐसे जो है व्यक्ति है जिन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का चुनाव लड़ा था लंदन में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब आप लोगों को सोच में पड़ गए होंगे कि भैया हाउस ऑफ लॉर्ड्स, नहीं सोच में नहीं पड़ना है, जरा समझिए। लोकसभा का नाम सुने हैं भारत में? भारत में संसद के कितने सदन, कितने हाउसेस? दो, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक उसी तरह से पहले ब्रिटेन में दो सदन, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी जैसे लोकसभा है वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद के दो सदन में, लोकसभा भारत में कही जाती है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सॉरी हाउस ऑफ कॉमन्स, लोकसभा सॉरी इसको जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, यहां पे आप लिख लीजिए कॉमन्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है राज्यसभा को बोला जाता है। आर मतलब क्या होता है? राज्यसभा, जैसे भारत में राज्यसभा है, और एल मतलब क्या होता है? लोकसभा, भारत में लोकसभा। तो लोकसभा को हम क्या बोलेंगे? हाउस ऑफ कॉमन्स, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है ब्रिटेन में राज्यसभा। अब मैं दोस्तों ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो भारत के ये जो है रमेश चंद्र बनर्जी जो पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़े थे, और हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव में वो हार गए थे, ये ध्यान में रखना है। लेकिन पहली बार जो है के बाद दूसरी बार कौन लड़ा? तो दूसरी बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स का चुनाव लड़ने वाले भारतीय, जो कि पहले भारतीय जिन्होंने चुनाव जीता था, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, जिसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। आप लोग लिख लेना, दादा भाई नौरोजी पारसी परिवार के खड़क नाम के जगह पे महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र के रहने वाले भारत के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री और कांग्रेस पार्टी के वयोवृद्ध नेता, यानी ओल्ड ग्रेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और कांग्रेस पार्टी के भी सबसे बुजुर्ग नेता में इनका नाम आता है, जिनकी पढ़ाई लिखाई भी जो है लंदन से हुई थी, हालांकि वो तो रमेश चंद्र बनर्जी की भी हुई थी। तो ये मैंने कहा कि दादा भाई नौरोजी, वो एक जगह हम सजा करके लिखवाएंगे कौन कौन लोग ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो दादा भाई नौरोजी दोस्तों मैं ये बता रहा हूं कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का चुनाव पहली बार जो है भारत के तरफ से 1890 में लड़ते हैं, और 1890 में ये जीत करके वहां के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक सांसद चुने जाते हैं, यानी एमपी चुने जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। पहला भारतीय जो ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सांसद बना था या चुना गया था वो कौन था, याद रखना है, दादा भाई नौरोजी, और वो कब, तो 1890 में, इस बात को जरा ध्यान में रखना। अब
बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, कुछ और भी बताते रहे हैं यहाँ पे। तो आपको पता चल गया कि बिमेश चंद्र बनर्जी का रिमार्क क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी के जो है पहले अध्यक्ष यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस माने जाते हैं। और ये प्रश्न सीधा साधे कोई कई सारे जो है एग्जाम में क्वेश्चन किया गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था, बिमेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो है फर्स्ट जो है प्रेसिडेंट रहे हैं दोस्तों 1885 में, याद रखना है। अब उसके बाद 1886 87 88 पे तो हम आएंगे, लेकिन थोड़ा सा पहला वाला पे जब चर्चा हो रहे हैं तो पहले वाले से और क्वेश्चन, क्योंकि हमें आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए पहला जो है वो बुलाया जाता है, ये कहां पे अध्यक्ष बने थे और सचिव कौन था, एलन ओकियन ह्यूम जो खुद संस्थापक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का फाउंडर किसको माना जाता है, एलन ओकियन ह्यूम, जो एक सेक्रेटरी भी था एक सचिव भी था। अब मैं यहां पे आप सबको बताना चाहता हूं कि बिमेश चंद्र बनर्जी साहब जो है दोस्तों, बिमेश चंद्र बनर्जी बंबई में जो पहला स्थान कहां है, तो स्थान याद रखना है यहां पे बंबई, पहला जो है बंबई में बुलाया गया। और बंबई में कहां पे बुलाया गया, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कर दिया है, गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में पहली बैठक इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की हुई थी, काफी फेमस जगह ये हो गया गोकुलदास संस्कृत कॉलेज, ये याद रखना है। बंबई के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में जो है कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन 1885 में बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता जो है प्रिसाइडेड ओवर बाय बिमेश चंद्र बनर्जी यानी बिमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। अब ये मैं बता रहा हूं कि इसमें टोटल डेलीगेट्स पहली वाली बैठक में टोटल कितने लोगों ने भाग लिया, कुल सदस्य जो है एक जगह लिख लीजिएगा आप लोग, टोटल डेलीगेट्स या टोटल मेंबर, इसकी संख्या है 72। अब यहां से प्रश्न कई बार जो है पूछे गए हैं कि कुल कितने सदस्य इसमें भाग लिए, तो 72 पीपल जो है 72 डेलीगेट्स इन्वॉल्व्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुंबई वाले सेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था। अब यहाँ पे एक और चीजें ध्यान में रखना, पूछ देगा किस प्रोविंस से यानी किस राज्य से किस प्रांत से, जरा सोचो आज हम लोग कहते हैं राज्य स्टेट, लेकिन पहले ब्रिटिश सरकार के टाइम पे कहा जाता था, मुगलों के टाइम से ही प्रांत कहा जाता था राज्य को, प्रोविंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्रांत सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे, सबसे ज्यादा यानी मोस्टली कहां से थे, तो सबसे ज्यादा आप लोग लिख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है मुंबई प्रांत से जो है इसमें सदस्य थे, 72 में से जो है 38 सदस्य केवल मुंबई से थे। और ये कई बार क्वेश्चन किया गया है, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूं कि मुंबई प्रांत से जो है, अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर फैक्ट के रूप में भी हम थोड़ा इस पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारा हम ये समझाने के बाद फैक्ट्स पे भी चर्चा करते हैं ताकि आप लोगों का प्रश्न न छूट पाए एग्जाम में। तो मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जो है वो मुंबई प्रांत से यानी 38 सदस्य गए थे पहले वाले सेशन में। अब जरा सोचिए पहले वाला सेशन हो गया, अब सवाल है कि पहला संबोधन यानी कांग्रेस पार्टी का पहला एड्रेस किसके द्वारा किया गया, पहली बातें किसके द्वारा, बिमेश चंद्र बनर्जी तो अध्यक्ष थे, सचिव कौन थे, सचिव तो एलन ओकियन ह्यूम थे, लेकिन पहला भाषण किसके द्वारा दिया गया, फर्स्ट स्पीच किसके द्वारा दिया गया, तो पहला संबोधन लिख लीजिए, फर्स्ट एड्रेस यानी फर्स्ट स्पीच जो है किसके द्वारा दिया गया, फर्स्ट और सेकेंड स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का नाम लिख लीजिए, महादेव गोविंद रानाडे, कांग्रेस पार्टी के एक जो है उदारवादी यानी लिबरल मॉडरेट लीडर रहे हैं, महादेव गोविंद रानाडे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे ये, और महादेव गोविंद रानाडे जी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले, आप लोगों ने जीके गोखले का नाम सुना होगा, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कहे जाते हैं यानी राजनैतिक गुरु कहे जाते हैं दोस्तों। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। अब मैंने अभी क्या कहा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन है, तो महादेव गोविंद रानाडे, एक जगह कहीं पे लिख लीजिएगा राजनैतिक गुरु यानी पॉलिटिकल गुरु, जो गाइड करते थे कि पॉलिटिक्स में कैसे अब आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये पहला संबोधन किसके द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, जो एक सोशल जो है वो एक्टिविस्ट थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे,
इन्होंने प्लेज मूवमेंट भी आगे जाकर के देखेंगे कि चलाएंगे बाल विवाह के यानी जो चाइल्ड मैरिज है उसके पर अगेंस्ट में चलाएंगे, जो भारत में पहले जो है दासोस प्रथा जो और सारी कुरीतियां थी उसके खिलाफ जो है चलाएंगे, पोलीगामी यानी बहुविवाह जो प्रथा थी उसको उसके विरुद्ध में जो है प्लेज मूवमेंट चलाएंगे। तो बहुत सारी मैं बता रहा हूँ और आगे इंडियन नेशनल इंडियन सोशल सोशल जो है कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी करेंगे। हाँ, तो ये महादेव गोविंद रानाडे का पहला स्पीच हुआ कांग्रेस पार्टी के बंबई वाले बैठक में, पहला स्पीच। अच्छा, दूसरा संबोधन किसके द्वारा हुआ तो ये याद रखना है, महादेव गोविंद रानाडे हो गया, आर रघुनाथ राव ये दूसरे नंबर पे हुए। पहला और दूसरा संबोधन पूछ लिया जाता है कि पहला और दूसरा स्पीच किसने दिया था, तो ये बातें जरा ध्यान में रखना। लेकिन पहला और दूसरा जो स्पीच दिया गया वो किस मुद्दे पर था, ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि पहला और दूसरा जो स्पीच है वो किस मुद्दे पर दोस्तों जो है दिया गया था गोविंद रानाडे के द्वारा और आर रघुनाथ के द्वारा राव के द्वारा, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें मुद्दा क्या था, इशू क्या था, इशू था सामाजिक, प्रश्न पूछ देता है कि सामाजिक मुद्दों पे दिया गया था, राजनैतिक मुद्दों पे दिया गया था, आर्थिक मुद्दों पे दिया गया था पहला भाषण कांग्रेस पार्टी की बैठक में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा कि सामाजिक मुद्दों पे पहला भाषण दिया गया था महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा दोस्तों, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कर देता है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिकल या नॉन ऑफ दीज, आंसर होना चाहिए सामाजिक, ये इसलिए चर्चा कर रहे हैं। जब पहला ये सामाजिक मुद्दा बना तो उसी में 72 लोग उपस्थित थे, बहुत सारे जो है प्रतिनिधियों ने इस बात का विरोध किया और इन्होंने कहा कि इसे देखो हम लोगों का मेन मकसद क्या है, ब्रिटिश सरकार का जो हमारी जनता जो असंतोष आक्रोश जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उभर रहा है, जो जनता की समस्या सॉल्व नहीं हो पा रही, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है ब्रिटिश सरकार, तो हम अपने राजनीतिक रूप से मांग उठाए यानी पॉलिटिकल डिमांड्स करें, ना कि सोशल डिमांड्स, ये तो हमारे देश की समस्या है फिर भी हम समझ लेंगे बाद में, या इसके लिए एक अलग से मंच बना दिया जाए। तो इसको लेकर के बहस हो गई, जिसको लेकर के 1886 में दोस्तों एक आर रघुनाथ राव और गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और आर रघुनाथ राव इन दोनों ने मिलकर के इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, एक पार्टी की स्थापना कर दी और ये पार्टी इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, हालांकि कोई अलग नहीं हुए ये पार्टी से, ये कांग्रेस पार्टी में ही रहे, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का एक सेल कहा जा सकता है दूसरा वाला पार्ट। अंतर क्या होगा कि अब जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ जो हम कांग्रेस बार बार यूज कर रहे हैं, हालांकि 1886 में उसका नाम दिया गया, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का मतलब सर कांग्रेस को ही बता रहे हैं, वो आप लोगों को बता ही दिए हैं पीछे आप देख लीजिएगा। तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, भारतीय सामाजिक सम्मेलन, भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी, प्रश्न बनाया जा सकता है, 1886 में किसके द्वारा हुई थी, गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा, और इनका मेन मकसद क्या था कि भैया देश में जो सामाजिक मुद्दे है ना उसमें सामाजिक सुधार को लेकर के हम आगे इस को बढ़ाएंगे, यानी सामाजिक सुधार। द मेन पर्पस ऑफ दिस एसोसिएशन दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू सोशल इंप्रूवमेंट इन इंडिया, मेन पर्पस यही था कि समाज में सुधार, भारत के समाज में जो है सुधार लाना, और इसी उद्देश्य से जो है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गोविंद रानाडे एंड आर रघुनाथ राव इन 1886 में स्थापना इसकी की गई और ये एक सेल की तरह काम कर रही थी। तो अब कांग्रेस क्या बन गई, कांग्रेस जो है अब पूरी तरह से जो है वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, क्योंकि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही बना था पहले, ऑर्गेनाइजेशन यानी पॉलिटिकल जो है संस्था बन गई,
तो ये भी पूछ देता है कि कांग्रेस निम्न में से किस प्रकार के संस्था थी, सामाजिक संस्था थी, धार्मिक संस्था थी या फिर राजनीतिक संस्था थी या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पॉलिटिकल संस्था थी, पहले से ही थी। ये बात अलग है कि सामाजिक सुधार के लिए आगे जाकर के जब पहला और दूसरा भाषण दिया गया गोविंद नाडे और रघुनाथ राव के द्वारा, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया, जिसको लेकर के एक अलग से जो है इनको भारतीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना करना पड़ा। और इसके याद रखिएगा 1887 में भारतीय सामाजिक सम्मेलन की पहली बैठक जो है, इसका पहला अधिवेशन पूछ देता है कब हुआ था। पहला अधिवेशन 1887 में हुआ था, यह ध्यान में रखना है। पहली बैठक किसकी की गई थी 1887 में, किसका, कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि कांग्रेस के इस सेल का, जिसका नाम क्या है, भारतीय सामाजिक सम्मेलन, जो सामाजिक सुधार के लिए बनाई गई है पार्टी ये अलग से। तो ये दोस्तों 1887 में जब हुआ तो उस समय जो है प्लेज मूवमेंट इन लोगों ने मिलकर के चलाया देश में, प्लेज मूवमेंट। अब प्रश्न पूछ देता है कि प्लेज मूवमेंट निम्न में से किससे संबंधित है, प्लेज आंदोलन किससे संबंधित है। याद रखना चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन जरूर देगा, एक या तो देगा कि बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज, उसके बाद दे देगा बहुविवाह कुलीनवाद, इसको लेकर के जो है यानी पॉलीगामी सिस्टम, तो इसको लेकर के जो है प्लेज मूवमेंट चलाया गया भारतीय सामाजिक सम्मेलन के द्वारा, यानी गोविंद नाडे और आर रघुनाथ राव के द्वारा। तो ये रहा हमारा पहला जो है जो बैठक हुआ उससे रिलेटेड सवाल बन सकता है, जिसको याद रखना है कि पहला अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस पार्टी के पहले अधिवेशन का पहला अध्यक्ष कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, भूमेश चंद्र बनर्जी याद रखना है। सचिव महासचिव कौन था पहला, तो महासचिव जो है वो एलन ओकियन ह्यूम था। संस्थापक कौन था, एलन ओकियन ह्यूम था, ये याद रखना है। और फिर इसमें भारतीय सामाजिक सम्मेलन वगैरह से रिलेटेड पहला और दूसरा किसने स्पीच दिया, ये सारी की सारी बातों को थोड़ा याद रखिएगा। आप लोग आगे पीछे स्लाइड करके पिक ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर को भी हम देंगे और तब जाकर के सेकेंड वाला, अब यहाँ पे चर्चा हो रही थी तब जाकर के हम दूसरा कहाँ पे हुआ 1886 में दोस्तों, तीसरा 1887 और चौथा 1888। यहाँ पे बना करके 86 87 के बाद 88 को हम बता देते हैं, लेकिन पहला वाला में एक और भी बातें हम बता देते हैं। जो पहला बैठक मुंबई में हुआ था उस बैठक में किस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था, जो देश का सबसे बड़ा उस समय का नेता माना जाता था और भारतीय राजनीतिक मुद्दों की पहली बार जो है भारतीय राजनीतिक सुधार की दिशा में पहला मांग ब्रिटिश सरकार से करने वाला, जिसका नाम था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जी हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक में भाग नहीं लिए, और भाग नहीं लेने का कारण जो है, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी डिडंट पार्टिसिपेट द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू सम रीजंस, और वो रीजंस क्या है थोड़ा सा समझिए कि वो किस कारण से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों ये मैं बताऊं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले तो एक बात ध्यान में रखिए, ICS ऑफिसर थे, ब्रिटिश सरकार में ये प्रशासनिक सेवा के पद पे चुने गए थे, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1874 में इसे पद से हटा दिया था। एक ऐसे भारत के प्रशासनिक अधिकारी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो सिविल सेवा परीक्षा पास करता है, पद से जबरदस्ती हटा दिया जाता है इसको। और उस समय जो है वायसराय के द्वारा, जिसका नाम रहता है लॉर्ड लीटन, तो जरा इस तो अब ये ध्यान में रखिए, ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहले बार जो है 1874 में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ICS पद से क्या किया गया, पद त्याग नहीं किए बल्कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा हटाया गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने क्या किया था दोस्तों, कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने 1876 में एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम है सिविल सर्विस मूवमेंट। अब जरा इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कर दिया जाता है कि सिविल सर्विस मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था, सिविल सर्विस आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। मूवमेंट का मतलब होता है दोस्तों आंदोलन, ये किसके द्वारा चलाया गया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, दादा भाई नौरोज भूमेश चंद्र बनर्जी फिरोज शाह मेहता, आंसर क्या होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। और 1876 में ही इन्होंने क्या किया कि 1876 में ही जुलाई महीने में 26 जुलाई को इन्होंने एक पार्टी बनाई,
और उस पार्टी का नाम, चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए थे, और इस पार्टी का नाम रखा इंडियन एसोसिएशन, जो आगे जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल जाएगी, इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ। दोस्तों इस बात को याद रखना है, भारतीय संघ की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो इंडियन एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी के द्वारा, एसएन बनर्जी के द्वारा की गई, है ना। कब की गई? इन ऑन 26 जुलाई 1876, है ना। और इसने क्या किया? तो सिविल सर्विस मूवमेंट को चलाया। अब मैं बताऊं कि उस समय हुआ क्या था। ब्रिटिश सरकार ने जो 21 साल जो है सिविल सर्विस परीक्षा के देने की जो मिनिमम एज रखी थी कि भाई ये जो है मिनिमम एज होनी चाहिए, वो उसको घटा करके 19 साल कर दिया गया था। अब ये देखो थोड़ा ज्यादती होती है। क्या आप चाहते हो कि बच्चा कोई है पेट में से पैदा हुआ और उसी समय जो है उसको प्रशासनिक अधिकारी बना दिया जाए, वो योग्य होगा? और इससे अंतर क्या था? इससे अंतर शहरी क्षेत्रों पर तो नहीं, लेकिन जो रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज में तो नहीं लेकिन रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव होता है। आज भी देखिए यूपीएससी का, हालांकि अभी तो ठीक है 21 साल, लेकिन मान लीजिए यही 19 साल 18 साल कर दिया जाए, तो गाँव के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनको ये पता भी नहीं होता, अभी इंटर में जाते हैं, मैट्रिक करते हैं और उसको पता भी नहीं होता कि इंडियन सिविल परीक्षा है क्या। उसके डेप्थ में नहीं जाते, डिटेल में नहीं जाते और कैसे हम परीक्षा दे सकते हैं, क्या कुछ बेसिक चीजें जानकारी नहीं रहती है। तो एज में कमी कर देने से उनको नुकसान का सामना, तो ठीक उसी तरह से एज में कमी करना क्या था, भारतीय छात्रों के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल था, नुकसानदेह था, और जिसके खिलाफ जो है सिविल सर्विस मूवमेंट इन्होंने चलाया था। याद रखिएगा ये वही सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। आखिर क्यों नहीं 1885 में जो है ये पार्टिसिपेट किए? क्योंकि अब मैं ये बताऊं कि ये मूवमेंट तो चलाए और इसको लेकर के ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, हमने बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना जो है वो 1866 में यानी 1866 में हो गई थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, जो न्यायाधीश थे, जिसका नाम था ब्रिटिश जज थे, ब्रिटिश बी फॉर ब्रिटिश जज लिख लेना, जे एफ नरिश नाम था उनका, जे एफ नरिश। तो जे एफ नरिश को इन्होंने क्या किया था कि एक जो है पत्रिका निकाली थी, एक जो है मैगजीन निकलता था इनका, इनके द्वारा कलकत्ता में, चूंकि ये कलकत्ता के रहने वाले थे एसएन बनर्जी। तो याद रखना ये जो मैगजीन है एसएन बनर्जी के द्वारा जो पब्लिश किया जा रहा था, जिसका नाम था बंगाली, तो बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे और बंगाली पत्रिका कहां पे निकलती थी मैगजीन, इस बात को ध्यान में रखना। ये कलकत्ता में निकलती थी और इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक याद रखना यानी एडिटर कौन है, तो एडिटर है एस एन बनर्जी साहब। और इसके बंगाली जो पत्रिका दोस्तों निकलती थी ना, इसी बंगाली पत्रिका में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जे एफ नरिश साहब थे ब्रिटिश सरकार के, उनकी इस सिविल सर्विस मूवमेंट के बाद जो प्रतिक्रिया इस सब आई थी, तो इस और ये जो एज सीमा जो घटाया गया था 21 साल से 19 साल किया गया था, इसको लेकर के आलोचना की थी। और आलोचना करने के बाद जो है यानी ब्रिटिश जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जेफ नरिश की आलोचना की थी, और इसके कारण जो है इनको 2 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, 2 महीनों के लिए इनको जेल भेज दिया गया, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज सेंट इन जेल फॉर 2 months बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब ये जो है ये जरा इस बात को ध्यान में रखना। तो जब ये बन गई तो अब यहां से प्रश्न बना सकता है कि भारतीय संघ जो बनाई गई 26 जुलाई 1876 को एसएन बनर्जी के द्वारा, जिन्होंने सिविल सर्विस मूवमेंट चलाया था, तो उसके संस्थापक कौन है यानी फाउंडर कौन है, तो फाउंडर का नाम याद रखना है एसएन बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों लिख लो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इसके पहले जो है अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष जो है, चूंकि ये दो कलकत्ता एक एसोसिएशन चलता था, स्टूडेंट एसोसिएशन था, उसके अध्यक्ष रहे हैं आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस के साथ मिल करके ये भारतीय संघ की स्थापना की थी, इसलिए पहले अध्यक्ष जो है आनंद मोहन बोस, जो कलकत्ता एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे, और कलकत्ता एसोसिएशन जो है वो छात्रों का, कलकत्ता के छात्रों का एक संघ था, ये ध्यान में रखना, आनंद मोहन बोस दोस्तों। तो आनंद मोहन बोस जो है भारतीय संघ के जो है वो पहले अध्यक्ष रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ
कांग्रेस का नाम है और भारतीय संघ जो है वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इसका नाम है। तो अब देखो ये पहला अध्यक्ष हो गया, लेकिन इसके ठीक 2 साल के बाद इसकी दूसरी बैठक होती है, इस बात को जरा ध्यान में रखना। और दूसरी बैठक जब हो रही थी मद्रास में, वही मैं बताना चाहता हूं आपको कि 1885 में जिस समय मुंबई में कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक बुलाई गई थी, उसी समय भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाली है उसकी जो है मद्रास में दूसरा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, दूसरी बैठक चल रही थी, दूसरा अधिवेशन चल रहा था दोस्तों, याद रखना है, सेकेंड कॉन्फ्रेंस चल रहा था। और इस सेकेंड कॉन्फ्रेंस के इसके जो मद्रास वाली जो ये थे अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंट सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब थे। और यही एकमात्र रीजन था जिसके कारण जो है ये कांग्रेस पार्टी के पहली बैठक में भाग नहीं ले पाए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी डिडंट पार्टिसिपेट, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन मुंबई और ड्यू टू क्या सम रीजंस, तो रीजंस आपको कुछ कारण था और वो कारण मैंने बता दिया कि इंडियन एसोसिएशन जो है का मद्रास वाला सेकंड कॉन्फ्रेंस जो है वाज गोइंग ऑन एट द टाइम एंड वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय एसएन बनर्जी और एसएन बनर्जी के द्वारा उस समय अध्यक्षता की गई थी, जिसके कारण जो है वो नहीं जा सके थे। तो एक बहुत बड़ी बात रही है ये। तो अब थोड़ा सा हम इसको लेकर के आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ये तो हमने बता दिया किसे किस कारण से। अब यही भारतीय संघ जो है वो 1886 में जब कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन होगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जा करके कांग्रेस पार्टी में मिल जाएंगे। यानी ये ध्यान में रखना, ये कई बार क्वेश्चन किया जा चुका है कि कांग्रेस पार्टी में निम्न में से किस संस्था जो है का विलय हो गया और कब हुआ। तो 1886 में जब दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होगा तो 1886 में क्या होगा, 1886 में ये जो इंडियन एसोसिएशन है ना दोस्तों वो कांग्रेस में आकर के मिल जाएगी, मर्ज हो जाएगी, विलय हो जाएगा। इंग्लिश में हिंदी में विलय कहेगा और इंग्लिश में लिखेगा मर्ज लिखा रहेगा। तो मर्ज इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस में मर्ज कब हो गई दोस्तों, 1886 में, यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी अब कांग्रेस पार्टी में आकर के और आनंद मोहन बोस के साथ मिल गए। तो ये हमारा रहा पहले वाला सेशन। अब यहाँ पे हम दूसरा तीसरा सेशन की जल्दी से चर्चा कर देते हैं कि दूसरा जो है कांग्रेस पार्टी का दूसरा बैठक कब हुआ था, दूसरा अधिवेशन तो 85 में पहला, तो जरा बताओ जल्दी से दूसरा कब होगा, 86 में होगा, ठीक है 1886 में। अध्यक्ष कौन रहे भैया, अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी साहब। और ये कहां पे किया गया था, तो दूसरा बैठक जो है कलकत्ता में, स्थान जरूर याद रखना है, पहला बैठक मुंबई, दूसरा बैठक कलकत्ता में और दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्ष। अब यहाँ पे इनका रिमार्क क्या था, जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष रहे हैं, ठीक वैसे ही जो है कांग्रेस पार्टी के दूसरे अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष रहे हैं, दूसरे अध्यक्ष। लेकिन रिमार्क्स क्या है बच्चों, जरा इस बात को देखो, तो दूसरे अध्यक्ष तो रहे हैं लेकिन पहले पारसी अध्यक्ष रहे हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कर देता है कि जरा एक बात बताओ कि कांग्रेस पार्टी के पहले पारसियन प्रेसिडेंट कौन था, तो आपको आंसर देना पड़ेगा दादा भाई नौरोजी फर्स्ट पारसियन प्रेसिडेंट थे, जो भारत के एक बड़े अर्थशास्त्री माने जाते हैं और इनके बारे में और सारे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, खड़क नामक गाँव में जो है इनका जन्म हुआ था, याद रखना है महाराष्ट्र से बिलोंग करते, महाराष्ट्र जो है इनका निवास स्थान है। कभी कभी ये पूछ देता है कहाँ के रहने वाले हैं, इसीलिए मैं सबका बताता चल रहा हूँ कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल के हैं, फिर उसी तरह से एओ ह्यूम जो है वो लंदन के हैं, ये सारी बातें ये ध्यान में रखना आप लोग। और दूसरा अधिवेशन जो है के अध्यक्ष रहे। अब तीसरा अधिवेशन कब हुआ, तो तीसरा अधिवेशन याद रखना दोस्तों 1887 में कहाँ पे हुआ, मद्रास में हुआ। अध्यक्ष कौन बना, अध्यक्ष बने सर बदरुद्दीन तैयब जी, जरा ध्यान में रखिए बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो इसके अध्यक्ष रहे। और ये हुआ कहां पे था, तो मद्रास में। अब इनका बदरुद्दीन तैयब जी का क्या है, चूंकि इनके बारे में तो काफी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये रिमार्क्स क्या है, विशेषता क्या है, तो विशेषता ये है
प्रश्न पूछा जाता है कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस पार्टी का, दोस्तों फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, आपका नाम होगा सर बद्रुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष। आप लोग ध्यान से कीजिए ताकि आगे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाइएगा आप लोग, और कहीं से भी कुछ भी किसी भी टेस्ट सीरीज को जाकर के लगा लीजिए मेरी क्लास लेने के बाद, और फिर जाकर के देखिएगा आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा ना, आप वाकई जो है दंग रह जाएगा कि हाँ हमने सतेंद्र सर की क्लास ली है। तो इसलिए जबरदस्त जो है यहाँ पे पढ़ाई करना है, यदि कुछ ना आए आपको समझ में कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हमारे द्वारा आंसर जरूर दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। तो अब ये मैं बता रहा हूँ कि 1887 में मद्रास वाले अध्यक्ष पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनने का मौका मिल गया सर बद्रुद्दीन तैयब जी को, लेकिन यहाँ पे दो तरह के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, अब उसमें उलझना नहीं है, चूंकि हम लोग करते क्या है कि क्वेश्चन आंसर जो है ना, जो जो भी एग्जाम में पूछा जाता है उसको देखते रहते हैं, तो एक पता रहता है, आइडिया रहता है। तो अब मैं ये बताऊं, पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा सर बद्रुद्दीन तैयब, लेकिन पहला युवा मुस्लिम अध्यक्ष, यूथ मुस्लिम पूछ दे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का पहला युवा मुस्लिम अध्यक्ष बताओ कब कहां और कौन बना था, याद रखना है तो आंसर बदल जाएगा 1923 में दिल्ली अधिवेशन, ध्यान में रखना जो भी अधिवेशन होता था कांग्रेस का उस स्थान के नाम से जोड़ करके, जैसे दिल्ली में हुआ तो दिल्ली अधिवेशन बोलेंगे, मद्रास में हुआ मद्रास अधिवेशन, कलकत्ता में हुआ तो कलकत्ता अधिवेशन बोलेंगे। तो कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन जो हुआ दोस्तों, दिल्ली अधिवेशन 1923 में हुआ, और 1923 में इसकी जो अध्यक्षता किए थे उसकी अध्यक्षता किए थे अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद साहब देश के पहले मुस्लिम युवा अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। देखो दोनों में अंतर है, यदि प्रश्न में पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछे कांग्रेस का तो आंसर होगा सर बद्रुद्दीन तैयब जी, मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे 1887 में, क्लियर है। और यदि मान लो ये पूछ दिया कि ये बताइए कि पहले मुस्लिम युवा अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम यूथ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वॉज, तो आपका आंसर बदल जाएगा अब्दुल कलाम आजाद। और कहां के थे तो दिल्ली अधिवेशन जो कांग्रेस पार्टी का हुआ था, कब हुआ था दोस्तों 1923 में, ये पहले मुस्लिम युवा अध्यक्ष चुने गए थे अब्दुल कलाम आजाद साहब, और ये वही है जो आजादी के बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री, देश के जो है आजादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ, पहले शिक्षा मंत्री बनने का जो है इनको गौरव प्राप्त हुआ था दोस्तों। अब आइए हम आगे चूंकि चर्चा को बढ़ाते हैं, क्योंकि और सारी बातें तो अभी कई बार इन लोगों के बारे में हम डिटेल में पढ़ना है, इन सब महान व्यक्तित्वों के बारे में जिसको हम बताएंगे, लेकिन अभी चर्चा को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो 1888 मैंने बताया था, चार पांच जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पहले बताएंगे। अब यहाँ 1888 में जो हुआ वो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, कांग्रेस पार्टी का इलाहाबाद अधिवेशन लिख लेना, और ये चारों याद रखना, और कोई याद रहे या ना रहे बात बाकी, तो मैं टॉपिक के साथ ही सब क्लियर करवा दूंगा आप लोगों को। तो ये मैं बता रहा हूं कि इलाहाबाद अधिवेशन दोस्तों 1888 में जो कांग्रेस पार्टी का हुआ, पहला यूरोपियन जो है यानी पहला अंग्रेज इसका अध्यक्ष चुना गया, और आपको बता रहे है कि यूरोपियन का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि पहला जो है ईसाई धर्म से, ये क्योंकि यूरोपीय कौन थे, अंग्रेज कौन से धर्म से थे, मैंने बताया था आप लोगों को ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे, क्रिश्चियन से। तो पहला यूरोपियन अध्यक्ष किसको मिला बनने का, तो पहला बनने को मिला जॉर्ज यूले को, नाम क्या है लिख लेना जॉर्ज यूले, जो इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षता इन्होंने की थी 1888 में, जॉर्ज यूले जो है 1888 में बना था ईसाई, पहला ईसाई अध्यक्ष और पहला यूरोपियन यानी अंग्रेज अध्यक्ष यदि पूछे तो आप लोग देना। और मैं आपको बताया था कि जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, एलन न्यूटन ह्यूम, डब्ल्यू एस केन जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक लिबरल मेंबर के तौर पर, एक उदारवादी नेता के तौर पर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं भारत के आजादी के पक्षधर थे। तो ये मैंने बताया कि जॉर्ज यूले जो है पहला अध्यक्ष बना, अंग्रेज अध्यक्ष बना यहाँ पे इलाहाबाद अधिवेशन के 1888 में, ये भी यहाँ याद रखना है, यहाँ ध्यान रखना है। अब इसके साथ और सारी बातें हम कर लेते हैं। देखो तीन लोगों के नाम थोड़ा सा याद रखना यहाँ पे, पहला सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान एक ऐसे व्यक्ति है, इनके बारे में और सारी बातें हम
पढ़ेंगे और सर सैयद अहमद खान के बारे में इससे पहले भी हम 1857 की असबाब ए बगावत ए हिंद जो किताब जिसमें इन्होंने बोला था कि ये 1857 का जो विद्रोह है वो एक सिपाही विद्रोह है, तो ये काफी बड़े मुस्लिम लीडर रहे हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आगे। तो सर सैयद अहमद खान एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो कभी भी कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं रखे, कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़े रहे, कांग्रेस से संबंध नहीं रखे। यह कहीं पे लिख लीजिएगा आप लोग कि ये जो है सर सैयद अहमद खान जो है संबंध नहीं रहा इनका, क्योंकि प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये बताइए कि निम्न में से कौन से एक भारत के प्रसिद्ध नेता थे जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। चार नाम दे देगा, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सर सैयद अहमद खान। तो आपको आंसर देना पड़ेगा सर सैयद अहमद खान। तो सर सैयद अहमद खान वॉज एंड सच ग्रेट लीडर हु नेवर बिलोंग्स टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी से कभी जो है संबंध नहीं रखे, एक ऐसे देश के महान नेता। तो जरा ये बात ध्यान में रखना। दूसरा बात ये याद रखना आप लोग दोस्तों, ऐसा कौन सा पहला जो है अंग्रेज था जो अध्यक्ष, तो जो कांग्रेस पार्टी का सदस्य तो था लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बना। याद रखना है डब्ल्यू एस कैन जो है वो कांग्रेस पार्टी का एक लिबरल लीडर था, कांग्रेस का मेंबर तो था, लिबरल यानी उदारवादी नेता तो था, लेकिन ये कभी भी जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बना यानी अध्यक्ष नहीं बना। डब्ल्यू एस कैन वॉज सच अ कांग्रेस लीडर हु नेवर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्पाइट अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर होने के बावजूद भी जो है ये कभी भी प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट नहीं हुआ। और ठीक वैसे ही जो है तीसरे नंबर पे भारतीय का नाम भी याद रखना, बाल गंगाधर तिलक जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिसे कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र के किसान नेता थे गंगाधर तिलक, और एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं और काफी बड़े लीडर रहे हैं, उग्रवादी नेता रहे हैं। इन्हें भारतीय जो है भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है, द ऑन क्रोन किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इन्हें ये भी कहा जाता है कि ये भारत का जो है एक तरह से हिंद भारत का जो है ये एक तरह से क्या था, तो ये बादशाह था यानी जन्मदाता था या पिता था, हिंदू भारत के पिता था इनको कहा जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि द फादर ऑफ हिंदू नेशनलिज्म किसको कहा जाता है, तो वो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है द फादर ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। यानी हिंदू राष्ट्रवाद का पिता किसको कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को, और भारत का बेताज बादशाह के नाम से कहे जाने वाले ये महाराष्ट्र में जन्मे एक नेता जो एक उग्रवादी एक जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक जी, इस बात को जरा ध्यान में रखना। और ये पहला ऐसा जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी के ये सदस्य रहे हैं कि ये भी सदस्य तो थे लेकिन कभी भी ये प्रेसिडेंट नहीं बने, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे दोस्तों, इस बात का जरा ध्यान में रखना है। जैसे डब्ल्यू एस कैन जो है मेंबर था लेकिन अंग्रेज में पूछे तो, और यदि हिंदू या भारत का पूछे कि भारत का कौन सा ऐसा कांग्रेसी लीडर था जो सदस्य तो था लेकिन कभी भी प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हुआ, तो बाल गंगाधर तिलक का नाम यहाँ पे लिया जा सकता है। तो चलो ये कांग्रेस से रिलेटेड हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है सेशन पढ़ा, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के बारे में चर्चा की। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चन पे जो है हम टिक लगा लेते हैं और फिर जाकर के अगले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी वगैरह के बारे में बात करते हैं और फिर जाकर के पढ़ते हैं कि आगे जो है कैसे पढ़ना है। हालांकि हमने नहीं बताया था तो अब यहीं पे हम थोड़ा सा चर्चा करके और तब जाकर के आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस पार्टी के बारे में बताने लगे सारा इतिहास हम लोगों को पढ़ना कैसे है। तो देखिए 1885 से मैंने बताया था, एक जगह नोट कर लेना कि 1885 से 1947 तक को तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे, तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। जो पहला पार्ट होगा दोस्तों, पहला पार्ट
तो पहला पार्ट को हम लोग बोलेंगे उदारवादी काल, यानी मॉडरिस्ट फेज, उदारवादी काल, मॉडरिस्ट फेज इसको कहा जाता है। मॉडरिस्ट फेज में कांग्रेस पार्टी के जितने नेता थे उनको हम लोग उदारवादी नेता, इंग्लिश में मॉडरिस्ट लीडर या फिर लिबरल लीडर बोलते हैं। आप लोग कभी लिख यहां पे लिख लीजिए, लिबरल लीडर बोला जाता है। और ये कौन थे, क्या थे, कैसे थे, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल इसको देख लिया जाए तब जाकर के, क्योंकि क्वेश्चन भी कराना है और आज 2 घंटा का ही सेशन चलेगा। अगले वाले क्लास में हम और भी लेंगे तो और भी ज्यादा डिटेल में इसको बात करेंगे और आगे वाला आप चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो अब ये मैंने कहा कि उदारवादी नेता, लिबरल लीडर, यहां से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कहां से शुरू होगा, तो उदारवादी नेताओं का कांग्रेस पर योगदान रहा जो है, तो 1885 से लेकर के 1905 तक, यानी 20 साल तक जो है उदारवादी नेताओं का शासन रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रूल्ड बाय लिबरल्स फ्रॉम 1885 टू 1905। अब ये उदारवादी नेता में कौन कौन से नेता आते हैं दोस्तों, तो द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ मॉडरिस्ट फेज, मॉडरिस्ट फेज वाज, अब मॉडरिस्ट फेज के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उसके नाम आप लोग लिख लो यहाँ पे, जिसके बारे में हम चर्चा बार बार करेंगे। मोतीलाल नेहरू जी की हम चर्चा करेंगे, हम इसमें चर्चा करेंगे गोविंद रानाडे के बारे में, अभी चर्चा किए भी गोविंद रानाडे, हम चर्चा करेंगे फिरोज शाह मेहता की, बहुत सारे डिटेल में अगले क्लास में बताई जाएगी आप सबको, आज क्वेश्चन आंसर और भी कराना है। फिरोज शाह मेहता ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे और बहुत जल्द जो है हम आप लोगों का ये सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले पहले। उसके बाद जो है आप लोग, तीसरा हो गया, चौथा नंबर पे आप लोग लिख लो दोस्तों, इधर साइड में लिख लेते हैं क्योंकि उधर और भी लिखना है, तो इसको इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो चौथे नंबर पे इसको लिख लो, फिरोज शाह मेहता के अनुसार बात जो है आरसी दत्त साहब के बारे में लिख लो, रमेश चंद्र दत्त पूरा नाम, रघुनाथ राव के बारे में लिख लो जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया था, इसकी चर्चा करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। अब ये क्यों कुछ नाम आपको याद रखना है, कुछ नाम जो है क्योंकि क्वेश्चन कर दिया जाता है कि निम्न में से कौन से उदारवादी नेता थे, यानी लिबरल लीडर थे, और चार ऑप्शन दे देगा जिसमें तीन हो सकता है कि उग्रवादी नेताओं के नाम दे दे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर के नाम दे दे, और फिर जो है उसमें से एक ये दे दे, और ये क्या उदारवादी उग्रवादी हमने लगा रखा है, तो इसके बारे में भी हम डेफिनेशन देंगे। बहरहाल अभी जो है हम इतना देख लेते हैं फिर जा करके। उसके बाद जो है गोपाल कृष्ण गोखले, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि हम ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो है गोविंद रानाडे साहब थे, तो ये मैंने बताया था। अब उसके बाद हम चर्चा करेंगे फिरोज शाह मेहता पे, तो हो ही गया, फिरोज शाह मेहता के बारे में हमने लिखवा ही दिया है। तो ऐसे जो है दादा भाई नौरोजी वगैरह सबके बारे में, ब्योमेश चंद्र बनर्जी जो पहले अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, मदन मोहन मालवीय साहब, ये कम से कम कुछ नाम आपको याद रखना है, मदन मोहन मालवीय, जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन से नेता उदारवादी है, एक नाम कोई दे सकता है। अब देखते हैं ये जो 1885 से 1905 तक का फेज है उसको क्या कहते हैं, उदारवादी काल यानी मॉडरिस्ट फेज। अगला फेज कहां से स्टार्ट होगा, तो 1905 से शुरू होगा और 1919 तक चलेगा, हालांकि हम तो 1915 तक ही मानते हैं क्योंकि 1915 से गांधी युग स्टार्ट कर देते हैं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आ गए थे, लेकिन किताबों में 1919 दिया है इसलिए आप लोग गड़बड़ाए नहीं, और चूंकि हमारा अपना कारण है और किताब में हर लेखक का अपना अपना कारण होता है, हर टीचर का तो मतलब विषय को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के अपनी थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है, तो उसका स्पष्टीकरण भी होता है। तो 1905 से 1919 वाला जो फेज है उसको हम उग्रवादी काल के नाम से जानते हैं दोस्तों, उग्रवादी काल, इंग्लिश में लिख लेना आप लोग एक्सट्रीमिस्ट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और ये जो चला वो 14 वर्षों तक चला, ये 20 साल तक चला, ये 14 साल तक चला, और 1919 से लेकर के और 1947 तक यानी भारत की आजादी तक जो पढ़ेंगे इसको हम लोग बोलते हैं गांधीयन एरा, यानी गांधी युग का आरंभ,
आप ध्यान में रखना, इसमें सिर्फ गांधी जी के बारे में, तमाम आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे तमाम प्रकार के जो है आंदोलनों पर चर्चा की जाएगी। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि यहाँ ये जो आप देख रहे हो कि ये 14 साल, ये 20 साल और इसके बाद वाला ये साल, ये सब मिलकर के टोटल 62 इयर्स हो जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये 62 साल जो है ना इंडियन स्ट्रगल फेज है, जब इंडिया के जो नेता आगे जाकर के इंडियन नेशनलिस्ट, कुछ मिलिटेंट्स होंगे, कुछ रेवोल्यूशनरी, कुछ क्रांतिकारी होंगे, जिसमें हम पढ़ाएंगे बहुत सारे लोगों के बारे में, जैसे सुखदेव कौन थे, है ना, भगत सिंह, उद्धम सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में हम बताएंगे उसमें, तो वो रेवोल्यूशनरीज के बारे में भी पढ़ाया जाएगा जो आगे होगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं उदारवादी काल में, और शुरू कहां से किए हैं, 1885 यानी कांग्रेस की, और 1905 तक में जो है ये देखेंगे, ठीक है। और अगला जो अगला डेढ़ घंटे की क्लास होगी उसमें ये वाला पीरियड पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आज तो 2 घंटे की क्लास, अगला जो क्लास लेंगे उसमें ये पूरा उदारवादी काल का पूरा कंप्लीट करा देंगे, और फिर 1905 से लेकर 1919 वाला के, और फिर आगे चलेंगे हम लोग। तो अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट पे कि हमने ये पढ़ा दिया, अब उदारवादी, उग्रवादी और फिर गांधीयन पीरियड। तो उग्रवादी में कौन कौन से नेता आते हैं, तो ये 4 नेताओं का नाम आपको याद रखना है, जिसमें पहला जो है बाल गंगाधर तिलक, जिसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, बाल गंगाधर तिलक। दूसरे नंबर पे ये महाराष्ट्र के रहने वाले किसान नेता थे, बहुत अच्छा योगदान था देश के आजाद कराने में। दूसरा शेरे पंजाब के नाम से जो है प्रख्यात, सॉरी माने विख्यात प्रसिद्ध, लाला लाजपत राय साहब, काफी महान व्यक्ति पंजाब के रहने वाले। तीसरा बिपिन चंद्र पाल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बिपिन चंद्र पाल जी जो है वो बंगाल के रहने वाले थे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे और आगे। और उसके बाद जो है आगे अरबिंदो घोष के बारे में, अरबिंदो घोष जो खुद आईसीएस अधिकारी भी, ये भी थे, परीक्षा पास किए थे और प्रोफेसर भी रहे हैं बंगाल के। तो ये लोग जो है वो उग्रवादी नेता में। अब उदारवादी और उग्रवादी इसका मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि आगे जाकर के क्लैरिटी बन जाए। देखिए उदारवादी नेता, उदार नाम से ही क्या पता चल रहा है, काम, इसका मतलब होता है शांत, जो एकदम नॉन वायलेंस में विश्वास करता हो, दोस्तों मारपीट में विश्वास नहीं करता हो, यानी ये पूरी तरह से अहिंसा पर आधारित बात करेगा, जो नॉन वायलेंस से रिलेटेड बात करेगा वो उदारवादी होगा। थोड़ा सा वायलेंस को जो तवज्जो देगा यानी हिंसा को बात करेगा कि हिंसा कभी कभी जायज होती है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि ये कहते थे बाल गंगाधर तिलक जी, कहते थे स्वराज इज आवर बर्थ राइट, वी विल टेक इट, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर करेंगे। और कभी कभी जो है इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि द गेटिंग ऑफ फ्रीडम वुड नॉट बी अचीव्ड बाय आस्किंग बट बाय स्ट्रगल्स, यानी जो है आजादी मांगने से नहीं मिलेगी बल्कि संघर्ष करने से और छीनने से मिलेगी। तो ये जो उग्रवादी नेता है वो ब्रिटिश सरकार के नीतियों के केवल खिलाफ ही नहीं थे, उग्र ही नहीं थे, बल्कि जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी, वो कहते थे कि हम क्यों ब्रिटिश सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन को माने, जो हमारे जनता में एक असंतोष की भावना, जो आक्रोश की भावना पनपा रही है, जो हमारे जनता के परेशानियों को, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो आखिर अब उसको बताएंगे आगे चल करके कि आखिर उग्रवाद का जन्म कैसे हुआ, एक्सट्रीमिस्ट का जन्म जो है, एक्सट्रीमिज्म कैसे जो है आया, तो ये बातें तो आपको क्लियर हो जाएगी। बहरहाल अभी इतना केवल जानिए कि उग्रवाद का मतलब जो ब्रिटिश सरकार में बिलीफ नहीं करता हो, ये चाहता हो किसे नहीं, इन लोगों का एक टारगेट था किसे, द गोल ऑफ आवर नेशन जो है शुड बी स्वराज, स्वराज होना चाहिए, यानी अपना राज होना चाहिए अपनी से। स्वराज का मतलब क्या है कि स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, यानी अपनी सरकार हो और अपने लोग आत्मनिर्भर, ये इसका मतलब था। तो उग्रवादी लोग जो है ब्रिटिश सरकार की नीतियों के, ब्रिटिश सरकार के संविधान का विरोध करते थे, ब्रिटिश सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते थे, ये अपना स्वराज चाहते थे, ऐसा स्वराज जिसमें अपनी सरकार हो, सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ रिलायंस, यानी अपने लोग आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ सके, विकास कर सके। जबकि उदारवादी जो नेता थे जो इसमें देख रहे हैं, ये काफी बड़े पढ़े लिखे ये भी इंसान थे, और ये लोग आम इंसान, मिडिल फैमिली से, ग्रामीण क्षेत्रों से, किसान नेता से जुड़े हुए थे, तो ये अच्छे से समझते थे कि देश की जो जनता है ना वो मध्यम वर्गीय जनता और आम जनता ही ज्यादातर ब्रिटिश सरकार की नीतियों से परेशान है। अब जो वकील है,
पेशे से, जो डॉक्टर है जो इंजीनियर है वो तो परेशान नहीं है भाई ब्रिटिश सरकार में, तो बैठा बैठा पैसा कमा रहा है तो वो तो सपोर्ट करेगा ही कहीं। तो ये कहीं ना कहीं उदारवादी नेता जो है ना, भारत की जनता के समस्या का समाधान करने के लिए जो तरीके अपनाते थे उसका तरीका ठीक उग्रवादियों के तरीके से अलग था और उग्रवादियों का तरीका भी अलग था। तो मैं ये कहूंगा कि उदारवादी और उग्रवादी पे अगला जो सेशन होगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ा सा समय रह गया है तो अब काफी अच्छे से बताएंगे और सारे, अभी डिस्कशन में बस यही करते हैं, आते ही बस शुरुआत यहीं से करेंगे। तो उदारवादी का मतलब हुआ कि जो प्रेयर पिटीशन के जरिए यानी प्रार्थना के जरिए लेटर के जरिए लिख करके भारत की जनता के समस्या का समाधान कराना चाहता हो, समाचार पत्र में प्रकाशित करके, जरूरत पड़े तो इंग्लैंड में अपना शिष्टमंडल यानी अपने कांग्रेस के नेताओं का ग्रुप भेज करके वहां वहां की महारानी से वहां के राजा से बात करके ऐसे समस्या का समाधान कराना चाहता हो, लेकिन उसमें वायलेंस बिल्कुल ना हो, माने फिर भी ठीक है, नहीं माने तो फिर ये नहीं कि स्ट्राइक किया जाएगा, ये नहीं कि से कोई बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा आपके अगेंस्ट में, ये इसके खिलाफ थे। और जबकि ये जो है इसको आगे बढ़ा रहे थे उग्रवादी कि नहीं जरूरत पड़ी तो हम स्ट्राइक भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जो है हम हिंसा भी करेंगे, हिंसा जो है कभी कभी अपने अधिकारों के लिए जायज हो जाती है। तो ये सारे आप लोगों ने देखा होगा ना कि सुभाष चंद्र बोस जी क्या बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो इस बात को लेकर के महात्मा गांधी से जो है त्रिपुरी संकट हो गया, त्रिपुरी में जो है झगड़ा हो गया, और दूसरी बार जब कांग्रेस के वो अध्यक्ष चुने गए थे 1939 में तो उन्होंने त्याग पत्र रिजाइन दे दिया अपना। तो ये सारी बातें चूंकि आगे कहानी हम बताएंगे, अभी फिलहाल अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। तो अब जो है अगला क्वेश्चन जो है बच्चों ये इसको देखो थोड़ा सा दोस्तों, ये है पांचवा नंबर, पांचवा हमने क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखना है 72 मेंबर्स, मैंने बताया था 72 मेंबर्स ने भाग लिया था पहले वाले बंबई अधिवेशन में, और सबसे ज्यादा किस प्रांत से थे तो वो थे बंबई से थे 38 थे, ये थोड़ा याद रखना है, बंबई से 38 डेलीगेट्स थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का वायसराय कौन था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, वायसराय है याद रखना है, मतलब ये पूछ रहा है कि हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मैं पहले ही बताया था 1884 से लेकर के और फिर जाकर के 1888 तक लॉर्ड डफरिन था, ये चौथा आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन दोस्तों। अब मैं ये बताना चाहूंगा आप सबको कि अभी इसमें हमने कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के भी कुछ विवाद रहा है जिसको अभी हम बताते हैं, अभी फिलहाल छठवां क्वेश्चन थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते फिर जाकर के हम विवाद पे बताएंगे आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, अभी मैंने बताया था रमेश चंद्र बनर्जी, कहां कहीं पे लिखा है इसमें देखो डब्ल्यू सी बनर्जी लिखा है ना, डब्ल्यू सी बनर्जी रमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष चुने गए थे, मैंने बताया बंगाल के रहने वाले थे ये। अच्छा अब आगे जो है अगला क्वेश्चन जरा सोल्व करो, सारे बात मैंने बताया है आपको, अब क्वेश्चन सोल्व करना है। 1885 में महासचिव कौन था, अभी मैंने बताया था कि महासचिव या महामंत्री के बारे में बोले तो 1885 से लेकर 1906 तक कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक व्यक्ति रहा जो कांग्रेस पार्टी का संस्थापक था। तो दोस्तों बताओ कांग्रेस पार्टी का फाउंडर कौन था, तो कांग्रेस पार्टी का फाउंडर ए ओ ह्यूम, जिसके बारे में मैं बता चुका हूं, एलन ओके ह्यूम, जो इटावा का डीएम भी रह चुका था 1856 में पहली बार। अब आगे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करो, आप लोगों से सॉल्व करवाए हम क्वेश्चन, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, ये क्वेश्चन जो है देखिए अभी विवाद वाला जब बात बता रहे हैं तो इसमें आ जाएगा। वैसे यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट है कि भाई ये कांग्रेस पार्टी जो है ना वो बहुत कम संख्या में है और ये जो है भारत का पूरा भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं करती है, ये जो है मजाक किसने उड़ाया था, तो ये जरा ध्यान में रखना है, ये बातें लॉर्ड डफरिन ने किया था कि ये भाई अल्पसंख्यक यानी जो है बिल्कुल छोटे लेवल पे की पार्टी है, कुछ बड़ा नहीं है, जब उन्होंने देखा कि नहीं ये कांग्रेस पार्टी जिस उद्देश्य से बनाई गई थी उसके ठीक उल्टा हो रहा है और हमारा जो है हमारी अगेंस्ट में लोग काम करने लगे, तो फिर ये स्टेटमेंट दिया गया था। अब आगे जो है दोस्तों अगला क्वेश्चन पे थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ाया उसको थोड़ा सा अब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, अभी मैंने चर्चा किया था प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष एम ए बद्रुद्दीन तैयब जी, मैंने बताया कि मद्रास वाले कॉन्फ्रेंस के
पहले ये अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों 1887 में मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, और पहला मुस्लिम युवा अध्यक्ष बोले तो इसके बारे में भी चर्चा आप पीछे वाले में जाकर के देखिए, अब्दुल कलाम आजाद 1923 दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष में बता चुका हूं। अब अगला जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी और उसका नाम क्या था। देखो अभी इसके बारे में हमने चर्चा नहीं किया, हालांकि चर्चा कर देता हूं कि 1889 में एक 1889 में एक जो है कमिटी बनाई गई थी कांग्रेस पार्टी के समर्थन पाने के लिए, और उसका जो है पूछ कह रहा है कि समिति स्थापित था तो उसका समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें, ये थोड़ा क्वेश्चन ये हो गया है, तो उसका सचिव कौन था ये ध्यान में रखना है, तो उसका नाम था विलियम डिग्नी। यहाँ भी थोड़ा सा ये में गलती हो गया है, अगले बार से हम सुधार करेंगे कि नहीं हो, विलियम डिग्नी इसका पूरा नाम है, डिग्नी नहीं डिग्नी, विलियम डिग्नी। एक्चुअल में आप लोग ये लिख लीजिए ऐसे कि 1887 में जो है लंदन में दादा भाई नौरोजी जिसके बारे में हमने बताया, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक कमिटी बनाया कांग्रेस पार्टी के समर्थन प्राप्त करने के लिए और ब्रिटिश सरकार से जो है भारत के पॉलिटिकली जो है डिमांड्स रखने के लिए और भारत के जनता को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए वहां के, तो दादा भाई नौरोजी साहब इसके उद्देश्य वगैरह कांग्रेस के और सारी बातों पर हम चर्चा आगे करेंगे। दादा भाई नौरोजी साहब ने जो है लंदन में एक पार्टी बनाया जिसका नाम था भारतीय सुधार समिति, इंडियन रिफॉर्म कमिटी, लिख लो आप लोग यहीं पे भारतीय सुधार समिति की स्थापना, और इसका पहला जो है सचिव रखा गया विलियम डिग्नी को, पूरा नाम है विलियम डिग्नी जिसको इसमें नहीं दिया गया है, विलियम डिग्नी डिग्नी विलियम डिग्नी जो है इसका सदस्य था। तो याद रखना है ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन था जो इंडिया के ही, हमने क्या बताया था कि दादा भाई नौरोजी आगे जाकर के 1890 में वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सांसद भी चुने जाएंगे, तो दादा भाई नौरोजी जो है लंदन में उन्होंने भारतीय सुधार समिति इंडियन रिफॉर्म कमिटी की स्थापना की जिसका सचिव विलियम डिग्नी था। अब अगला जो है क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अभी मैंने बताया था दादा भाई नौरोजी ने 1886 में की थी। दादा भाई नौरोजी ने कहां पे, कलकत्ता पे में, कलकत्ता में अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी और पहले पार्सियन अध्यक्ष बने थे, इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को आंसर देते हुए मजा आ रहा होगा। अब ये मैं बता दूं दादा भाई नौरोजी साहब जो है वो 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, ये जरा ध्यान में रखना है, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये सिर्फ इलाहाबाद, बाद बाकी ये जो है दोनों कलकत्ता है, कलकत्ता इलाहाबाद और फिर कलकत्ता, और 1906 में इन्होंने ब्रिटिश सरकार से पहली बार जो है कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की जो है मांग की थी। ये हालांकि स्वराज वर्ड का यूज, स्वराज वर्ड वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन द पॉलिटिकली वे बाय लाला बाल गंगाधर तिलक इन 1893। 1893 में यदि पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया। हालांकि यदि हम धार्मिक मामलों की तरह देखें तो आर्य समाज के संस्थापक फाउंडर माने जाते हैं दयानंद सरस्वती, उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश जो है दोस्तों, और उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था वेदों की ओर लौट को, तो उसमें उन्होंने बताया था स्वराज शब्द का जिक्र किया था। हालांकि स्वराज शब्द का उनका लेना जो है आत्मीय विकास से, इंसान के विकास से, मतलब अंदर के वो धार्मिक भावना को लेकर के कहे थे, लेकिन पॉलिटिकल वे में स्वराज शब्द का प्रयोग जो है याद रखना यहाँ पे 1893 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यूज इस शब्द का किया गया था, गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और ये जो है आगे अभी और सारी बातें बताने वाले हैं, और स्वराज की मांग किसने की थी, तो मांग जो है कलकत्ता वाले अधिवेशन में इन्हीं के सपोर्ट में आकर के दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक के सपोर्ट में आकर के ब्रिटिश सरकार से ये मांग रखी थी। तो दोस्तों ये जरा याद रखना है 1886, 1893 और फिर 1906, 3 बार जो है ये अध्यक्ष रहे हैं जिसका नाम है दादा भाई नौरोजी साहब, भारत के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं और शास्त्री रहे हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था, जिसके बारे में मैंने बात किया था आप लोगों से, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि मद्रास में उनका 1885 में उन्होंने खुद ही अध्यक्षता कर रहे थे,
भारतीय संघ का, इंडियन एसोसिएशन का, जो 1886 में कांग्रेस पार्टी से उसका विलय हो गया था, पीछे देख लीजिए, काफी डिटेल में अच्छे से चर्चा किए हैं। अब अगला आप लोगों का आंसर ये आ भी रहा होगा, यदि आप लोगों को आंसर देने में मजा आ रहा है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ आपसे टिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, इसके बारे में भी जॉर्ज यूले, ये जो है जॉर्ज यूले है दोस्तों, याद रखना है। तो जॉर्ज यूले जो है, इसके बारे में हम बता चुके हैं कि 1888 में जो है इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बना था, पहला यूरोपीय अध्यक्ष। देखो अब आंसर तो दे रहे हो ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ा दिया है, पीछे यदि पढ़ लोगे आंसर धड़ाधड़ आप कर दोगे। आगे जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध कभी नहीं रखा। सर सैयद अहमद खान के बारे में हमने बता दिया है कि सर सैयद अहमद खान एक ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से कभी, अब देखो आ गया ना ये क्वेश्चन, ये मैं पीछे भी बात कर चुका हूं, आप लोग पीछे डिटेल में देख लीजिए क्योंकि लगातार आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, और मैं पहले ही बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जी एक ऐसे नेता थे जो कांग्रेस के सदस्य तो थे लेकिन अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए। बाल गंगाधर तिलक जो है वॉज अ मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हू नेवर इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये याद रखना है। और ठीक उसी तरह से डब्ल्यू एस कैन यूरोपीय ऐसा सदस्य था कांग्रेस पार्टी का लेकिन वो कभी अध्यक्ष नहीं चुना जा सका। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा देखो दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नायडू थी, सरोजिनी नायडू, जिसे भारत की कोकिला कहा जाता है। तो देखो इसको भारत की कोकिला, लेकिन ये जरा देखो, पहली अध्यक्ष नायडू नहीं थी, यदि पहली महिला अध्यक्ष दे रहा है और यहाँ पे भारतीय महिला अध्यक्ष लगा देता तब इनका होता, यही पे ध्यान में रखना है आप लोग। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, जिसे भारत की कोकिला भी कहा जाता है। और कब बनी थी, तो याद रखना है 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में, कलकत्ता के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष ये रही है। लेकिन ये पहली महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, तो याद रखना यही आंसर बदल जाएगा। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, पहली महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी के ये फाउंडर थी, एनी बिसेंट। आगे इसके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे दोस्तों, इसके बारे में पढ़ना है, अभी फिलहाल इतना ही बताते हैं क्योंकि 1917 के टाइम पे हम जाएंगे तो बहुत इसके बारे में चर्चा, बस इतना ध्यान रखिए 1917 कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट थी, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष लगा दे तो वहीं पे आंसर बदल जाएगा, सरोजिनी नायडू नाम आ जाएगा। कहां की, तो कानपुर में 1925 में थी, जिसे भारत को किला के नाम से जाना। तो ये क्या है, पहला वाला ये गलत दिया है कि नायडू नहीं थी, कौन थी, एनी बिसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी थे, ये सही है। तो आंसर क्या होगा, केवल दो कहां पे लिखा हुआ है, ये है आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लाल बाल पाल और त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में का अध्यक्ष हुआ। ध्यान में रखिए, लाल मतलब लाला लाजपत राय, अभी मैंने अब उनके बारे में चर्चा की, हालांकि ये एक्सट्रीमिस्ट फेज में पढ़ना है लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको, अभी तो और पढ़ना है। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र के बिपिन चंद्र पाल, कलकत्ता के बंगाल के रहने वाले थे, और ये तीनों में से ये कह रहा है कि इसमें कौन सा अध्यक्ष हुआ। तो याद रखना है अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय जी बने थे, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। और ये कब बने थे, तो याद रखना है 20 सितंबर दोस्तों, 20 सितंबर 1920 को जो है ये बने थे, कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता गांधी जी के सहयोग से किए थे। विशेष अधिवेशन मतलब ये सितंबर महीने में हुआ था, इसलिए विशेष अधिवेशन, आगे मैंने बताया है, और दिसंबर में हो तो अधिवेशन कहा जाता है। तो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष ये चुने गए थे, एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लीडर, एक ऐसे उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं 20 सितंबर 1920 को, एकमात्र यही व्यक्ति है लाला लाजपत राय, इसलिए क्वेश्चन किया गया है,
जो कलकत्ता अधिवेशन में बने, लेकिन कलकत्ता का वो कौन सा अधिवेशन था? विशेष अधिवेशन था। और किसके सहयोग से बने थे? तो गांधी जी के सहयोग से। जब उस वाले फेज में जाएंगे तो हम बताएंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया जा सकता था। जरा ये याद रखना है, ये है सर सैयद अहमद खान, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि कांग्रेस से इनका कोई नाता नहीं था, इसलिए इन लोगों ने इन्होंने आलोचना भी की यह कह करके कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए, प्रथम महिला अध्यक्ष अभी मैंने बताया एनी बिसेंट का, सरोजिनी नायडू का भारतीय लगाए तब, और ये कहाँ की रही है? 1917 में कलकत्ता की रही है, और ये कहाँ की रही है? कानपुर की रही है दोस्तों। कब? 1925 में रही है। तो पहली महिला केवल पूछा है, यदि यही भारतीय दे देगा तो सरोजिनी नायडू लगा देना। तो चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला कह रहा है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना? फिर वही अभी मैंने बताया सरोजिनी नायडू, और कहां की थी? कलकत्ता की, और 1917, इसे पहले ही मैं बता चुका हूं, पीछे वाला में आप देख लीजिए स्लाइड को ऐसे करके, कलकत्ता है, अभी तो बताया। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? अभी बातचीत के दौरान मैंने कहा था स्वराज इज आवर बर्थ राइट, वी विल टेक इट, ये शब्द जो है किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का है, जो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, उग्रवादी नेता थे, और ये जो कथन दिया गया था 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान, जो आगे चलेंगे तो पूरा टॉपिक ही पढ़ना है, इस पर डिस्कस किया जाएगा। बहरहाल नेक्स्ट पॉइंट, 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ये ध्यान में रखना, चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास को नेशन फ्रेंड के नाम से, देश बंधु के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी इस वाले पार्ट में तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हम चर्चा करते रहे आगे जाकर के, अभी और पढ़ना है, ठीक है? तो ये चित्तरंजन दास को नेशन फ्रेंड कहा जाता है, और याद रखना है ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस के जो है ये दोस्तों राजनीतिक गुरु रहे हैं चित्तरंजन दास जी, गया वाले अधिवेशन में, जिसके बाद जो है इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, और एक स्वराज पार्टी ये और मोतीलाल नेहरू मिलकर के इलाहाबाद में बनाई थी। तो चलो अब आगे देखते हैं, और ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है, और हमने आज जो है बहुत सारा क्वेश्चन पे डिस्कस किया दोस्तों। आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, कहीं कुछ ना आए समझ में तो आप लोगों को जरूर जो है अब क्या करनी है, यदि कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि सर ये वाली चीज मुझे समझ में नहीं आया। इतने देर तक आप लोगों ने पूरे धैर्य पूर्वक क्लास को देखा, मैं चाहूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप लोग सीरियस स्टूडेंट है, अपने एग्जाम के प्रति सीरियस है, और आप जैसे कर बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम ले करके रहेंगे, वैसे आप लोग कहिए कि जॉब इज आवर बर्थ राइट, वी विल टेक इट, तो मुझे काफी खुशी होगी कि हाँ नौकरी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सरकारी नौकरी लेना, और इसको लेकर के जो है हम समर्पित है, तो हम लोगों को पढ़ाने में भी काफी ज्यादा मजा आता है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। बस एक चीज जरूर करनी है, आप लोग कॉपी पेन उठा करके, क्योंकि बहुत सारी बातें हम लोग बोलते हैं क्लास के दौरान जिसे लिख नहीं पाते हैं और लिखते नहीं है, तो उसको हर एक बातों को ध्यान दे करके जो है ना, और उसको आगे पीछे स्लाइड करके नोट्स बना लीजिए, प्रिपेयर कीजिए, और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। बाद बाकी किसी भी किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ सिर्फ ये कीजिए, और जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है किसी भी एग्जाम में इस वाले टॉपिक से, जाइए देखिए कि इस वाले टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन है, और धड़ाधड़ जो है आंसर देना शुरू कीजिए। तो इतना आपने धैर्य पूर्वक जो है BCW के इस सहचर वाले प्लेटफॉर्म पे हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपका जैसे फर्स्ट पार्ट वीडियो का जो है बहुत ज्यादा प्यार मिला, वैसे ही इसको प्यार दीजिए और सारा, ताकि हम लोग और भी उत्साह से आगे जो है क्लास लेकर के आप लोगों को अच्छा जो है सफलता में हम लोग योगदान दे सके। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।